हाय फरहान, फरहान मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में भी जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है? क्योंकि हीरोइंस को या जो फीमेल एक्टर्स होते हैं उन्हें काफ़ी ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और बहुत तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, उन्हें डम भी माना जाता है। आज अनुष्का ने भी एक अखबार में इंटरव्यू में कहा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। दूसरा सवाल ये कि ओरिजिनली आप डायरेक्टर ही बनना चाहते थे, आपने कई फिल्में बनाई हैं, लेकिन कहीं आपको लगता है कि वो पीछे छूट गया या दोबारा आने की आप सोच रहे हैं, कब करेंगे वो डायरेक्शन? सर, ये इतने अलग अलग सवाल हैं, इसका मैं दो ही सवाल पूछे। हाँ, नंबर एक मतलब कहाँ है और एक कहाँ है सवाल। फिर मैं पहले का जवाब दे देता हूँ, सेकेंड इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। जो पहला है, मेरा ये मानना है कि हर इंसान को अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि आप ऐसा एक रोल कीजिए जिसमें आप शायद ऑब्जेक्टिफाई हो जाएं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, प्लीज़ डोंट डू इट। अगर आपको ट्रबल करने वाली है ये बात कि आई एम बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड, यू हैव द चॉइस टू से नो, सो दैट ऑलवेज एग्जिस्ट। और उसके अलावा मतलब मेरे ख्याल से जो एक फिल्म इंडस्ट्री में एक एटमोसफेयर है और जो एक एनवायरमेंट है, वो हमेशा एक्चुअली अगर आप देखने को जाएँ तो टैलेंट पर बेस्ड है। अगर लोग टैलेंटेड हैं, वो मर्द हो या औरत हो, द फैक्ट इज़ दैट दे विल डू वेल, दे विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड, दी ऑडियंसिस विल लव दैम, पीपल विल गो टू दैम टू कास्ट दैम इन दियर फिल्म और टू वर्क विद दैम एज अ डायरेक्टर। तो वो सिर्फ बिल्कुल आपके स्किल पर डिपेंड करता है, उसका आपके जेंडर से कुछ लेना देना है नहीं। और जो पर्सनल चीज़ें हैं लोगों की, कि मुझे लग रहा है कि लोग मुझे डम समझते हैं या मैं ऑब्जेक्टिफाई हो रही हूँ, आई कॉन्ट कॉमेंट ऑन दैट बिकॉज आई एम नॉट इन दैट पर्सन शूज। बट आई डू बिलीव दैट दे हैव द राइट एंड दे हैव द चॉइस टू बी एबल टू चेंज इट दैम सेल्व। आई डू फील दे हैव दैट।